बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। तो और आज मैं आपको बकरियों के अंदर मसनूई नस्ल कशी के बारे में बताऊंगा और साथ साथ दिखाऊंगा भी करके। तो फिर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास ये राजनपुरी की फर्स्ट टाइमर पट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे एवरेज साइज़ की है। तो चलें, बकरियों के अंदर हीट में होने के अलामात दर्ज झेल हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बकरी जिस टाइम हीट में होती है तो बार बार दुम हिलाती है, बेचैनी जाहिर करती है, आवाज़ें निकालती है, जैसा कि गायें वगैरह भी अक्सर आपने देखी होंगी और भैंसें भी, ठीक है, वो भी बार बार आवाज़ें निकालती हैं और तारें करती हैं और बार बार पेशाब करती हैं। बकरियों के अंदर ये 5 से 7 अलामात कॉमन हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। तो चलें, अब इसको तैयार करने का, सीमन को तैयार करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको बकरियों के अंदर कैसे रखते हैं और किस टाइम आपने सीमन बकरियों के अंदर रखना है। तो इवर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास ये AI कंटेनर है, इसके अंदर भी सीमन, स्ट्रा, सीमन सब बिल्कुल गायों की तरह और भैंसों की तरह बिल्कुल सेम है। तो अभी देख रहे हैं, मैंने इसको गर्म पानी के अंदर थाइन होने के लिए सीमन को डाल दिया है। अभी हम 30 से 40 सेकंड वेट करेंगे ताकि सीमन थाइन हो जाए। तो उस टाइम तक हम अपनी शीट तैयार कर लेते हैं और AI गन को हम सेट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में अब ये AI शीट है जो कि कवर के अंदर मौजूद है। कोशिश करनी है कि कवर को पहले आपने नहीं उतारना, ठीक है, इससे कम से कम जानवर के अंदर इन्फेक्शन फैलने के खतरात होते हैं। तो व्यूअर, जैसा कि आपने देखा कि गायों के अंदर और बकरियों के अंदर तकरीबन डोज थाइन करने का और गन तैयार करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसा कि अभी हम तैयार कर रहे हैं। आपने देखा कि बिल्कुल सेम तरीका है, इसके अंदर मुकम्मल किसी किस्म का भी डिफरेंस नहीं है और यहाँ तक के सीमन स्ट्रा भी बिल्कुल सेम है। तो चलें, आपको दिखाते हैं कि बकरियों के अंदर AI करने का तरीका क्या है और आप किस टाइम बकरियों के अंदर AI कर सकते हैं। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बकरी के अंदर मैं इंसेमिनेशन गन के ज़रिए AI कर रहा हूँ, जबकि मैंने इससे पहली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि वेजानोस्पेकुलम के ज़रिए हम AI कर सकते हैं। इसके अंदर हमने वेजानोस्पेकुलम इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इसकी जो वुल्वा है उसका साइज़ छोटा है, वुल्वा के अंदर वेजानोस्पेकुलम दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट AI गन के ज़रिए बड़े जेंटली, बड़े ही आहिस्ता और मोहतात अंदाज से AI कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। AI करना बहुत आसान है, इसके अंदर आपने जस्ट अपनी AI गन को एंटर करना है और आपको फील हो जाएगा जब इसकी सर्वेक्स के ऊपर आपका राड पहुँच जाए, वहाँ पर आपने हल्का सा ऊपर नीचे थोड़ा सा साइडों पर हिला कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो AI टेक्नीशियन होता है उसको पता चल जाता है कि राड क्रॉस हो चुका है या नहीं। तो आपने भी इसी तरीके से रॉड को क्रॉस करना है और जेंटली अपना सीमन जो है वहाँ पर ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो उसके बाद सीमन को चेक करने के लिए आपने देखना है कि सीमन के स्ट्रा के अंदर से मुकम्मल तौर पर सीमन खाली हो चुका है या नहीं। और देखें, आप देख सकते हैं कि इसकी टिप के ऊपर थोड़ा सा म्यूकस भी लगा हुआ है जो कि इसकी अलामत है कि बकरी मुकम्मल तौर पर बेहतरीन हीट में थी। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि बकरियों को हीट के अंदर कितने टाइम के बाद आपने AI करनी है। तो व्यूअर्स, आप इनको अगर डबल डोज रखना चाहते हैं तो आप एक इनको पहले दिन गुजरने के बाद यानी कि 24 घंटे के बाद एक डोज रखें और एक उससे अगले दिन यानी कि उसके 24 घंटे के बाद फिर से उनको एक डोज और रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जस्ट सिंगल डोज के अंदर हमारा काम चल जाए तो आप कोशिश करें कि दूसरे दिन के बाद बाद अपने बकरी को क्रॉस करवा दें। तो इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।